रविवार को जुबली हॉल में चल रहे 3 दिवसीय 8वें ताज रंग महोत्सव का समापन हो गया। आखिरी दिन देश विदेश के कलाकारों ने मंच पर अपने अपने देश की रंगारंग प्रस्तुति देकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर मुंबई से आई प्रख्यात कलाकार पूजा शर्मा, रेखा व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल कलाकारों का उत्साहवर्धन करने के लिए विशेष रूप से उपस्थित रहे। भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत ताज रंग महोत्सव जैसे रंगारंग कार्यक्रम नवोदित कलाकारों को एक मंच प्रदान करते हैं, जो आगे जाकर देश दुनिया में अपनी संस्कृति, सभ्यता और संस्कार का परिचय देते हुए कला के क्षेत्र में अपना परचम लहराते हैं। इसी श्रृंखला में रविवार को अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए नटरांजलि थिएटर आर्ट की ओर से अतिथि और विशिष्ट अतिथियों का शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के 3रे दिन धनबाद झारखंड की क्वीन 5 वर्षीय कनक रही उस मासूम नन्ही बालिका ने जब अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस दी तो लोग दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए। उसका नृत्य देखते ही बनता था। उसने अपनी मनोहारी नृत्य से सभी लोगों का मन मोह लिया। हाथरस से आई रिया पोरवाल ने कथक नृत्य प्रस्तुत कर भारतीय संस्कृति की अनोखी छटा मंच पर बिखेरी। कथक नृत्यांगना नमिता वाजपेयी के निर्देशन में परी तिवारी, तनिष्का वाजपेयी, शालू सिंह, मोनिका गौतम, देविका बहल, आयत अली, शशि सिंह, दिव्या रावत ने शानदार प्रस्तुति देकर सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया। इंडोनेशिया, नेपाल, ओडिशा के प्रख्यात कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुति देकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। इस ताज रंग महोत्सव में कई देशों के साथ भारत के विभिन्न राज्यों की संस्कृति छटा परिलक्षित हुई। मानो ऐसे लग रहा था जैसे महोत्सव के 3ों दिन कोई सतरंगी छटा आकाश से धरा पर उतर आई हो। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने इस सफल आयोजन के लिए नटरांजलि थिएटर आर्ट की निदेशक अलका सिंह और समाजसेवी आनंद टाइटलर का आभार जताया और ऐसे कार्यक्रम आगे भी होते रहें उसके लिए उन्होंने आयोजकों को भरोसा दिलाते हुए सभी देश विदेश से आए कलाकारों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर वे काफ़ी खुश नजर आए। वो लेकिन मैं सांस लेती हूँ, ये सच बात, क्योंकि मुझे प्यार का लालच हो गया ना, कितनी तरह से इतना ही प्यार के लिए अभी जो इतना फ्री में मिल रहा है प्यार। सामने चढ़ो भैया, आसाम का भगवा डांस, पंजाब का भागड़ा, गुजरात का गरबा, हमारी राजस्थान की मतलब नहीं समझते हैं, लेकिन ये लगता है कि ये भारतीय संस्कृति को तोड़ रहा है। इस प्लेटफॉर्म से नवोदित कलाकारों को एक अवसर प्राप्त होगा और ऐसे ही प्रतियोगिता होते रहने से बच्चों का उत्साह बढ़ता होगा, आने वाले समय के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ताज रंग महोत्सव का सफल आयोजन करने वाले समाजसेवी आनंद टाइटलर और नटरांजलि थिएटर आर्ट की निदेशक अलका सिंह इस अवसर पर काफ़ी खुश नजर आए। उन्होंने सभी का आभार जताया और अगले वर्ष एक बड़ा आयोजन कराने की बात कही। हमने बहुत स्टार्ट किया था, उस समय चंद लोग आते थे, कुछ लोग भी नहीं आते थे। आज 8वें ताज रंग महोत्सव देख रहे हैं आप कि लगातार 3 दिन, पहले दिन रासुरानी जी हमारे जो प्रोफेसर हैं, कुलपति जी हैं, उन्होंने उद्घाटन किया। दूसरे दिन ब्रज क्षेत्र के हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हरीश रौतेला जी ने किया।
आज हमारे केंद्रीय मंत्री एसपी मोहित जी ने किया, और आज देखिए आज आखिरी दिन है, आज पूजा रेखा शर्मा जी आई हैं, तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं वो, आज उसको उनको देख कर आज पूरा हॉल भरा हुआ है और पूरा आगरा में उनको देखने के लोग भीड़ इकट्ठी हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से प्रोग्राम चलते रहने चाहिए, जिससे कि आनंद भाई अगली बार और अपेक्षा करें इसको आप और उपलब्धियों पर लेके जाएंगे। ये तो देखिए ऊपर वाले की मर्जी, हम लोगों का काम करने का, हम तो अच्छा चाहेंगे इससे और अच्छा हो प्रोग्राम, कि हमारा आगरे का नाम हो, हिंदुस्तान का नाम हो, चूँकि यहाँ मैं आपको देखने को मिल रहा होगा कि प्राय जो है विदेश के लोग भी यहाँ अपना प्रस्तुति देने आए, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में आगरा के लिए। प्रस्तुतियाँ एक से बढ़कर एक हो रही हैं और पूरे देश भर के कलाकार इसमें सम्मिलित हुए हैं। आज हरियाणा का नृत्य प्रस्तुत हुआ है, उड़ीसा का नृत्य प्रस्तुत हुआ है, इंडोनेशिया की जो बहुत ही अच्छी फ्लेक्सिबल आर्ट होती है नृत्य की, एक अद्भुत छटा इंडोनेशिया के कलाकारों ने बिखेरी, नेपाल के जो दल आया हुआ है, छोटे छोटे बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन एक नाटक किया जो दर्शकों को बहुत पसंद आया, और पूरा हाउसफुल कार्यक्रम जा रहा है, सभी का बड़ा स्नेह है। मैं शहर से निवेदन करना चाहती हूँ, कल जो आगामी 24 सितंबर है, हमारी जो मुख्य आकर्षण है कार्यक्रम का, पूजा शर्मा रेखा जी जो कि मुंबई से आ रही हैं, उनका कार्यक्रम देखने आए और भी उनके साथ ही साथ रंगारंग कार्यक्रम देखने आए, और कोई किसी प्रकार का टिकट नहीं है, शुल्क नहीं है, आप लोग आए और कलाकारों को। इस अवसर पर मुंबई से पहुंची पूजा शर्मा रेखा, जिनको मुंबई की रानी के नाम से जाना जाता है, वह अपनी अदाओं और कला के लिए विख्यात हैं। उन्होंने भी इस कार्यक्रम में पहुंचकर शोभा बढ़ाई। वे आगरा की कला प्रेमियों द्वारा मिले अभूतपूर्व सम्मान से काफ़ी खुश दिखाई दी। उन्होंने अपनी खुशी का इजहार इस प्रकार किया। आगरा वासी मुझे इतना रिस्पेक्ट दिया, अलका दीदी ने मुझे मैंने इतना प्यार दिया, आगरा वालों से डांस ऐसे चीज़ है, उस वर्ड से दीदी कहा जाता है मम्मी की आप रानी हैं, तो क्या कुछ कहना है, कितना सच है दिन मम्मी पे आप राज करती हैं, लोगों का कहना है? तो यार आगे का मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, तुम शायद आगे इसीलिए अगर मुझे वो प्यार खींच के लेके आए। इस अवसर पर मुंबई से आई मुख्य अतिथि पूजा शर्मा रेखा विशेष रूप से उपस्थित थी। इसके अलावा प्रोफेसर विनोद महेश्वरी, नितेश शर्मा, आनंद नंदन गुप्त, डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, रोहित कात्याल, कपिल वाजपेयी, नमिता वाजपेयी, लाला राम तेनगुरिया, टोनी फास्टर सहित काफ़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे।